ओ भाई, वाह वाह वाह, रंगारंग कार्यक्रम आएगा, वाह ड्रामा की दीवानी। हाँ जी हाँ, दर्शकों चाय की दीवानी, झूठ की दीवानी, जो कहना हो आप कह सकते हो। भाई आजकल ना पूरी की पूरी कोशिश करती हैं कि जैसे हमरे देखो अभी छुटकन्नी के पास तो बहुत सारा कंटेंट ही कंटेंट है, वो जैसे चाहे जो चाहे मोड़ तोड़ के बना सकती है। दुपट्टा बग्घा के पास भी ना बहुत ही ज़्यादा कंटेंट ही कंटेंट है। एक छुटकन्नी के साथ भी कंटेंट, और बाकी आप सबको पता ही है कि बग्घी किस प्रकार से कंटेंट बना लेती है, कभी कुछ तरीके से तो कभी कुछ तरीके से। अब कंटेंट का अगर अभाव हो रहा था तो हो रहा था बड़ी जिज्जी को। फाइनली बड़ी जिज्जी ने भी कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया। अब मम्मी जब तक हैं तब तक भाई ये कंटेंट कंटेंट होते रहेंगे। लेकिन इन्होंने सोचा ऐसी कौन सी चीज़ बुलवाऊं मैं जो विवादों में आ जाए। देखिए वैसे इनको अगर हम कहें विवाद की दीवानी तो ये भी नाम सही रहेगा, क्योंकि ना समय समय पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े, इतने 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 नहीं, इतने इतने बड़े विवाद इन्होंने कायम करवाए हैं, और उसकी वजह से ये कई बार ड्रामा क्वीन भी कही जाती हैं, कई बार झूठ की दीवानी, और आज तो मैं इनको विवादों की रानी बोल दे रही हूँ। जिस प्रकार से ये यहाँ पर इन्होंने कोशिश करी, वैसे जिज्जी का जो टाइटल है वो है माँ ने लिया बड़ा फैसला तीनों के लिए। अब ये टाइटल देख कर ना लोग सोचेंगे कि कहीं जायदाद से संबंधित तो नहीं है, कि देखो तीनों को कितना कितना देंगे, 50-50 देंगे या फिर इतना इतना देंगे या फिर कुछ और कहानी। अब बड़ा फैसला जिज्जी ने ऐसे ही बोला, तमाम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ चुका होगा कि ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लिया गया। तो हेलो एवरीवन, एक बार से फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, और अभी जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है झूठ की दीवानी के बारे में। झूठ की दीवानी ने आज के इस कार्यक्रम में, भाई देखिए शुरुआत उनकी वही होती है, वही चाय चुस्की, वॉक करने जाना, घर की चाय फिर कैफे की चाय, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, बस की बातें प्लेन की बातें, इतनी सारी बातें करी। लखनऊ में कैसे दौड़ दौड़ के प्लेन पकड़ा, किस प्रकार से हमारी ट्रेन छूटते और प्लेन छूटते और गाड़ी छूटते बचा, ये सारी वार्तालाप करने के बाद, घर में आने के बाद समोसा चीट करने के बाद। जी हाँ, जिज्जी का कहना है कि वैसे तो मैं प्योर डाइटिंग पे रहती हूँ, पर कभो कभो ना जब चीट करने का मन करता है ना तो जो जो मन करता है वो सारा खा लेती हूँ, मतलब एकदम से ना 5-6 हज़ार कैलोरी बढ़ा लेती हूँ। मतलब का ही बोल सकते हैं भाई, इनका सबका डाइटिंग और इनका सबका चीट मील का ही होता है, आप सब लोग बेहतर ढंग से जानते हो। ऑन कैमरा तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जितना ये दिखाना चाहते हैं, ऑफकोर्स जो दिखाना चाहेंगे वही दिखाएंगे, जो नहीं दिखाना चाहते आज तक आपको पता चली का नक्को जी, आगे भी नहीं ना पता चलेंगी, ऐसे ही हैं ये झूठ की दीवानी और कुनबावासी। चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद बहुत सारे क्रियाकलाप, खाना पानी, मम्मियों का कभी इधर की बात कभी उधर की बात, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद हमार जिज्जी कहती है कि भाई आज मम्मी जी बहुत बड़ा इतिहास में दर्ज होने वाला फैसला लेने वाली हैं। वैसे मम्मी जी ने कल बोला था कि आज हमने फैसला ले लिया, फिर मैंने सोचा अरे मम्मी चुप्पे रहा, आज नहीं कल इस पे हम ना वीडियो बना लेंगे तो डॉलर छाप लेंगे, है ना, तो ऐसा करते हैं कल आपका फैसला हम दिखाएंगे, जनता की अदालत में लाएंगे। तो भाई इतना गोल गोल बातों को पहले 2-4 मिनट तक घुमाया गया कि लोग सोचें हैं उनके दिमाग में जाके, ऐसा मम्मी जी कौन फैसला लेन होगा, हैं कहीं परेतिन से रिलेटेड है, बग्गा से रिलेटेड है, अब टाइटल से तो पढ़ के यही लग रहा है कि तीनों से रिलेटेड है, और सबको भी यही दिमाग में आएगा कि जमीन जायदाद से संबंधित है। मम्मी जी ने सोचा होगा कि चलो आज ना हम पूरा पूरा फैसला ले ही लेते हैं। फिर लेकिन भाई जब बातों बातों में बात छिड़ी तो घर के पहले मेंबर गिने जाने लगे कि हमारे घर में कितने मेंबर हैं, हम कितने हैं और कहाँ कहाँ हम जाते हैं पूरे साथ घूमने। पहले 7 गिनाए गए, फिर 8 गिनाए गए। और वैसे तो हमारे परेतिन जिज्जी आजकल ना रील लगा रही, पुरानी चीज़ों को याद कर रही है, घर के पुराने क्लिप लाए लाए के ऐड कर कर के वीडियो बनाए रही है। तो भाई साहब
वो तो घर जाने की तैयारी है और बोल भी रही है कि अगले वाले बर्थडे में, चिंटू के अगले बर्थडे में हम उसको ना पापा देंगे गिफ्ट में। क्योंकि पूछा था ना उसने सब्सक्राइबर से कि आप लोग बताइए मैं उसको क्या दूं, सब लोग तो हर चीज़ दे रहे हैं, कोई साइकिल दे रहा है, अच्छा हाँ कोई गाड़ी दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है। वैसे तो मैं हर महीने देती रहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कहाँ चाहते हो। वो गिफ्ट मेरे अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, पर अगले साल तक वो गिफ्ट मेरे बच्चे के पास ज़रूर होगा, मतलब उसके पापा। भाई परेतिन ने ऐसा सोचा बोला, अब वो स्क्रिप्टेड है या फिर रियल में रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी बार पैतरे बदले हैं, इतनी बार इनका प्यार जागा है पति के प्रति, फैमिली के प्रति, फिर कुछ है दिन बाद ना आ जाती है मुंह काला पीला ऐसा वैसा न जाने कैसा कैसा, ऊपर से गाली गलौज वाले चुप हैं नहीं, लाइव पे लाइव करे जा रहे हैं, तो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब एक बार सच में भी अगर ये इनके दिल में कुछ ऐसी गिटार बज रहे होंगे, तो वही वाली बात है ना कि एक लड़के ने रोज गांव वालों को टेस्ट किया, भेड़िया आया शेर आया शेर आया, और रोज कहता मैंने तो मजाक किया था कि आप लोग आओगे कि नहीं आओगे। जब एक दिन सही है मशेर आवा उठा के ले गए, चिल्लाते रह गए गाँव वाले के नहीं साला, जब देखो तो ये झूठ बोलता रहता, हम लोग चलो सोते हैं खाते हैं पीते हैं, इसको चिल्लाने दो हाँ, तो प्राण पखेरु के उड़ गए। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ एक्टिंग में नहीं करते हैं, क्योंकि एक्टिंग को ना कभी कभी लोग ना, अगर सीरियस भी तुम बोल रहे होगे ना तो तुम्हारी बात को लोग एक्टिंग ही समझेंगे। खैर अब सच्चाई है या फिर एक्टिंग, एक नहीं तो 2 दिन बाद या फिर बर्थडे के बाद है इनके व्यक्त हो जाएंगे जज्बात, क्योंकि हमारे जिज्जी को ना अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अगर सेल्फ कंट्रोल होता तो आज कहानी कुछ और होती हमारी छोटकन्नी जिज्जी की। अगर इन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया होता, अपने गुस्से को कंट्रोल किया होता, चीज़ों को समझा होता, तो आज वाकई में कहानी कुछ और होती। हाँ तो खैर मुद्दे पे आते हैं, उधर हमार जिज्जी पूरे तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाए के पूरा अपना घर बसाना चाहती है, अपने बच्चे को अपने पिता का आश्रय देना चाहती है, नाम देना चाहती है मम्मी जी के और पति देव के, सबके दिल के कनेक्शन जोड़ रही है। लेकिन यहाँ फैमिली मेंबर 8 बताए जा रहे हैं, उन लोगों को फैमिली में जोड़ा भी नहीं जा रहा, फिर बार बार घुमाए के फिराए के, फिर बाकी के लोग और भी हैं भाई, ये झूठ की दीवानी ने बोला, बाकी के लोग और भी हैं इनके इधर के उनके उधर के, नाम नहीं लिया गया कि किनको किनके उधर के इनके उधर के। बताओ भाई जिज्जी बहुत सेफ गेम प्लान कर रही हो, इनके उधर किनके उधर के किन सदस्यों को आपने काउंट किया है। लेकिन जिज्जी का कहना था ठीक है बाकी तो और लोग हैं भी, लेकिन करंट टाइम पे हम इतने ही लोग हैं, घूमने खाने फिरने इतने ही लोग जाते हैं, तो फिर अब मम्मी ने डिसीजन ये लिया है कि वो बाकी के 3-3 महीने हर जगह रहेंगी, मेरे पास 2 महीने रहेंगी, फिर 4-4 महीने जोड़े जा रहे थे। बहुत कंफ्यूजन हो रहा था महीनों को लेकर कि आखिर मम्मी कितना दिन की के पास रुके। तो हम बता रहे हैं ना बाकी के जो महीने बचेंगे है ना, उधर 3 महीने उधर 3 महीने और तुम्हारे पास 2 महीने, उसके बाद जितने महीने बचेंगे, अब मम्मी का घूमे फिरे का टाइम है ना, एंजॉयमेंट करने का टाइम है तुम्हारे हिसाब से। तुम सारे तो यही बोलते हो कि मम्मी ने पूरी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई और अभी मम्मी जी का जो टाइम है वो है घूमने फिरने का, तो फिर मेरे हिसाब से मम्मी जी को फिर घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए तीर्थ यात्रा पे या फिर गोवा वाले बीच पे। मतलब मम्मी जी का जिस प्रकार का टेस्ट, मैं किसी को जज नहीं करने वाली और मेरे जज करने से होता भी क्या है। देखिए सबकी अपनी अपनी जिंदगानी है और सब अपनी अपनी जिंदगानी के मालिक हैं। अब जिसका जिस चीज़ में खुशी है तो हम कंट्रोल करे वाले कौन होते हैं, हम टीका टिप्पणी करे वाले कौन होते हैं। अब मम्मी जी का जो मन होगा करेंगी। तो मम्मी जी यही कन्फ्यूजन में थी कि हम ज़्यादा किसके पास रहें, बग्गी के पास बग्गा के पास, बग्गी बग्गा दोनों एक यूनिट हैं, और चिंटू और परेतिन जिज्जी एक यूनिट हैं, और यहाँ हमार नोना जिज्जा और ये बबली जिज्जी एक है, मतलब बंटी और बबली। तो अब भाई साहब बाद में हमार मम्मी जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आ गई, फिर हमारी जिज्जी ने बोला ठीक है मम्मी जी कंटेंट तो अच्छा खासा दे ही देती हो, कौनो बात नहीं तुम हमारे पास 6 महीना रुक जाना है, तुम इधर 6 महीना रुकना ऐसी कोई समस्या थोड़ी है। तो मम्मी का ये बड़ा फैसला ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए झूठ की दीवानी ने बोला है कि ये ब्रेकिंग न्यूज है आज की सनसनीखेज
ताज़ा ताज़ा न्यूज़, मम्मी ने लिया बड़ा फैसला, तीनों बच्चों के पास कितना कितना दिन गुजारेंगे, तीनों बच्चों के साथ कितना साथ रहेंगे। वाह जी वाह, चलो अच्छी चीज़ है मम्मी जी ने अगर ये फैसला ले ही लिया है। लेकिन देखिए परेतिंजित जी का जो फैमिली, परेतिंजित जी अपना बता रही हैं, फ़ोटो वोटो लगा रहे हैं, रील उल बना रही हैं, लेकिन इन लोगों के मुंह से नाम नहीं निकला। कैसे लोग हैं यार। आपकी बेटी इतना प्रयत्न कर रही है या फिर वाकई में नौटंकी ड्रामा कर रही है इसलिए तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो? और अगर वो रियल में कर रही तो तुम लोग उनका कुछ इनपुट दिखाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हाँ एक चीज़ और, जीजी बोल रही थी कि मम्मी ये कर रही वो कर रही, पहले उसने ना परेतिन का वीडियो देखा, फिर उसके बाद बग्गे का वीडियो देखा, और कल आज हमारी जीजी बोल रही थी, नहीं कल वीडियो था कि मम्मी जिससे मैंने बात करी तो मम्मी ऐसा ऐसा बोल रही थी, मम्मी ने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी बस ऐसे ही बात करी। उधर जिज्जी बोल रही मम्मी ने मेरी वीडियो नहीं देखी, और यहाँ पर हमारी जिज्जी बोल रही मम्मी ने परेतिन की वीडियो देखी, फिर भाई बग्गे की वीडियो अब देख रही हैं। मतलब यार तुम लोग एक स्क्रिप्ट डिसाइड कर लिया करो, या फिर जानबूझ के ना तुम झूठ की दीवानी हमारी छुटकन्ने जिज्जी की पोलम पट्टी खोल देती हो। अब उसने बताया था कि नेचुरल तरीके से मम्मी जी का कॉल आया, तो इसलिए उसने मम्मी जी से ऐसी बात करी वैसी बात करी, और तुमने यहाँ पर पोलम पट्टी खोल दी कि मम्मी जी वीडियो देख रही थी। कसम से यार एक कुनबावासियों की का समस्या हमको नहीं पता है, सब एक दूसरे के पोलम पट्टी खोलने में एकदम माहिर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो भाई जनता जनार्दन आपसे एक और सवाल है, तमाम लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई झूठ की दीवानी बच्चे के बर्थडे पार्टी में नहीं जा रही हैं, मम्मी जी भी नहीं जा रही। मम्मी जी आंखों का तारा, आपका राज दुलारा, जहां तुम दो तीन दिन बाद जाओगी उससे पहले चली जाओ, हैं बाद में भी तो जाना है। फिर जानबूझ के तुम्हारी बहन ने, मतलब तुम्हारी बेटी ने काहे इतना लेट में टिकट कराया, कहा तुमको सबको नहीं पता था का सिड का बर्थडे है, ये टिकट्स तो पहले की हैं। मतलब दर्शकों ये डिसीजन पहले ही हो चुका था कि इस बार हम बर्थडे में नहीं आएंगे। और जहां परेतिन जिज्जी ने ये सफाईनामा दिया है कि जो ताई जी हैं, जो कि उनकी सेकेंड मम्मी की तरह हैं, मुँह बोली माँ की तरह हैं, मासी की तरह हैं, और उनके जो लड़के के साथ मिस हैपनिंग हुई ताई जी के घर में, जो एक इस प्रकार की समस्या हुई जिसकी वजह से हम लोग रंगारंग कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, तो पहली बात तो हमें ये नहीं बताया गया कि उनके घर में ये कब घटना हुई, तो का उस घटना को मद्देनज़र रखते हुए टिकट करी गई थी, या फिर भाई साहब ये पहले से प्लान है, घटना बाद में हुई थी। अब अगर घटना घटित भी हो गई है अभी तो टिकट तो पहले की हैं, और अगर पुराना है तो बर्थडे छोटे बच्चे का है, तो मुझे नहीं लगता कि पूजा पाठ करने में हवन कराने में कोई इतनी बड़ी बात बुरा मान जाएंगे ताई जी। आप सेलिब्रेशन डीजे नाइट ये सब ना करो, पूजा पाठ कराने में बच्चे के लिए कहा जाता है वो तो शुभ माना जाता है भाई साहब। और वैसे भी जिज्जी बोल रही थी तो हम दूसरे फैमिली में आते हैं शादी के बाद, इस फैमिली में तो है नहीं है, और वैसे भी आजकल अपना सब कुछ शादी शादी वाला चीज़ आप गा रही हो, तो उस प्रकार से तो आप दूसरे की फैमिली में आ रही हो। और तीसरी बात ये भाई साहब, लोग कह रहे हैं अगर ताई जी मम्मी जी के साथ इतना ज़्यादा क्लोज थी, इतना अच्छा बॉन्ड था, समय समय पे ताई जी ने मम्मी जी का साथ दिया है, आपके घर में ना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इस दुख की घड़ी में बताइए जिसके घर में जवान बेटा किसी का गया होगा तो वो कितना दुखी होगा, कितना उसका हृदय इस समय टूटा होगा। उनको तो भाई जब तुम्हारे काम कोई आया था आपको ना दौड़ते हुए आना चाहिए, और सारे लोगों को आना चाहिए। भाई जिज्जा नोना जिज्जा को छुट्टी नहीं मिलेगी मान लेते हैं, चलो वैसे मिल जाती है पर मान लेते हैं नहीं मिलेगी, है ना, एज पर स्क्रिप्ट। तो हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी अपनी दोनों मम्मियों को लेके नहीं आ सकती? ताई जी की इस दुख की घड़ी में बाकी लोग क्यों नहीं आए? बाकी लोग को छोड़ भी दो तो मम्मी जी क्यों नहीं आए? और जिस तरीके से मम्मी जी वहाँ पर भाई इंजॉयमेंट कर रही हैं, मूवीज़ पे मूवीज़, यहाँ वहाँ कैफे जाना, मतलब ताई जी का दुख का एहसास मम्मी जी को इतना भी नहीं है? भाई अगर इंसान किसी से अटैच्ड होता है, वो भी इतना अच्छा कनेक्शन होता है, और चाहे खून का रिश्ता हो ना हो, अगर आपके लिए कोई खड़ा रहता है और उसके घर पे या उसके ऊपर या उसकी फैमिली में कोई विपदा आती है, आपको भी हर्ट होता है, आपको भी फील होता है। लेकिन मम्मी जी का तो कुछ बल्ले बल्ले सावा सावा चल रहा है, मम्मी जी तो कुछ अलगन मूड में है। तो भाई छुटकन्नी, ये जो तुमने यहाँ पर
बताया है, लोगों के दिमाग में डाला है कि इस वजह से हम इस प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे और बाकी के लोग आ भी नहीं रहे, तो इसमें ना कोई बहुत बड़ा प्लान है दर्शकों। अब ये प्लान कागजी फैमिली को लेकर लिया गया है कि इस बार उनको हम छोड़ देते हैं कि ये लोग मिलते हैं जुलते हैं, क्या करते हैं, उनको जो करना है करें, हम लोग नहीं आएंगे। अगर ऐसा है तो आप स्पष्ट रूप से बोल देते कि आप ये टाइम दे रहे हैं भाई उन दोनों को, अगर ऐसी सोच है तो। हालांकि हमें पता है इससे दूर दूर से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, अगर होगा तो कोई मास्टर प्लान होगा एज पर वकील, कहाँ वाले, पटना वाले वकील, दो दो वकील पटना में भी तो रहते हैं। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों में, इधर की सच्चाई ज़्यादा है या फिर उधर की सच्चाई बातों में ज़्यादा है, आप ना कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मतलब झूठ की दीवानी बच्चे के बर्थडे पे ना है, अभी उसके बारे में जिक्र तक नहीं हो रहे हैं, गिफ्ट्स के बारे में भी बातें नहीं हो रही हैं, क्या चल रहा है भाई साहब? या फिर एकदम से आए कि सरप्राइज़ देंगे बिना बात करे, भाई 10 तारीख को मतलब 9 को पहुंच जाएंगी दिन में या फिर शाम में, और रात के 12 बजे बल्ले बल्ले सावा सावा होगा। अब क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई साहब कई बार ना इन लोगों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। बताते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। और जिस प्रकार से बारिश की बात हो रही थी कि बारिश हुई है, तो देखिए कल परसों में हमारे इधर भी बारिश हुई लखनऊ में, तो ये वीडियो 1-2 दिन पुराना ही है झूठ की दीवानी का। अगर जाना है तो ये पहुँच भी सकती हैं, पर इस बारे में वार्तालाप ना करके कुछ ना कुछ तो देखिए हो रहा है। कुछ लोग कुछ बातें बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बातें, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। पर हाँ, छुटकन्नी जिज्जी के दिया गया रीज़न वो खारिज करते हैं, मम्मी जी को इतना भी ताई जी के लिए फील तक नहीं हो रहा है, ये कैसा कनेक्शन है मम्मी जी का? सिर्फ आप वीडियो में बता दो कि हम उन्होंने इतना हमारे लिए किया, भैया ने हम मम्मी जी को फ़ोन दिया, मम्मी ने कहा कि नहीं हमको फ़ोन नहीं चाहिए, आपने बोल दिया इतने बहुत बड़ी बात। पर मम्मी जी को थोड़ा फील तो होना चाहिए, फ़ोन ऊन तो गया तेल लेने भाई साहब। अब देखिए ना, झूठी बातों भाई झूठी ही रहती और आप पकड़े जाते हैं। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लिए, और जाने से पहले हो सके तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा प्लीज़। चलिए जी, टाटा बाय बाय।